जिले का दिग्रस वन विभाग कार्यालय इन दिनों मारी गहरी नींद में है। यही वजह है कि दिग्रस परिसर में जमकर अवैध पेड़ कटाई जा रही है, जिस ओर वन विभाग के दिग्रस कार्यालय ने मानो अपनी आंखें मूंद ली है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। हाल ही में आर्मी रोड पर स्थित देवरवाड़ी से भवानी मंदिर की ओर जाने वाले बाईपास पर कटे हुए ये पेड़ बीसीएन न्यूज के कैमरे में कैद हुए हैं। इस संबंध में जब बीसीएन न्यूज ने वन विभाग से संपर्क किया तब बेहद चौंकाने वाले जवाब मिले। उनके मुताबिक काटे गए पेड़ जंगल क्षेत्र से नहीं, या तो वे खेत मालिकों के हैं या किसी प्लॉटिंग क्षेत्र के हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संबंधित पेड़ किस क्षेत्र से है, इसकी तस्दीक करना वन विभाग का काम है तो फिर पेड़ काटने वालों पर नकेल कसने का काम करेगा कौन। वैसे भी देखा जा रहा है कि दिग्रस वन विभाग पेड़ कटाई के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, अगर होता तो आज धड़ल्ले से जारी पेड़ कटाई न हुई होती। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों की माने तो साल में दिग्रस वन परिक्षेत्र में कम से कम 104 बार इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल स्क्वाड से भी साल में 6 से 8 बार इंस्पेक्शन होता है। इसके बावजूद भी परिसर में पेड़ों की अवैध कटाई थम क्यों नहीं रही, ये बड़ा सवाल है। हाल ही में गुरुवार को यहाँ देवरवाड़ी से दत्तापुर और भवानी माता मंदिर की ओर जा रहे बाईपास परिसर में कटे हुए पेड़ रास्ते के किनारे नजर आए। इस मामले की छानबीन कर संबंधितों पर कार्रवाई करने का जिम्मा वन विभाग का था, लेकिन बार बार सचेत करने के बाद शनिवार को वन विभाग ने इन कटे हुए पेड़ों को जब्त किए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है। ऐसे में इस संबंध में किस पर कार्रवाई की गई, कितना जुर्माना लगाया गया, इस सवाल पर वन विभाग मौन है। उसके मुताबिक यह पेड़ किसने काटे, इसकी जाँच जारी है। फिलहाल कटे हुए पेड़ जब्त कर लिए गए है। मालूम हो कि दिग्रस परिसर में न तो वन उपज जाँच नाका है और न ही संरक्षण कुटी और न ही चेक पोस्ट यहाँ नजर आती है। ऐसे में वन विभाग के सुस्त कार्य प्रणाली से जंगल कटाई में लिप्त लोग धड़ल्ले से बिना किसी रोकटोक के खेतों और गांवों से सटे इलाकों से अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इस विषय पर सवाल पूछे जाने पर आरएफओ कुणाल लिमकर ने बताया कि आर्मी रोड देवरवाड़ी परिसर में हाथ आए कटे हुए पेड़ों के संदर्भ में हाल ही में हुई आरओ की मीटिंग में वन विभाग द्वारा गश्त बढ़ाने और रेंज ऑफिसर्स को परिसर में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में वन विभाग दिग्रस के अधिकारी खुलकर अपनी राय नहीं रख रहे, वे एक तरह से अनजान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी लगता है कि ये कटे हुए अवैध पेड़ प्लॉटिंग क्षेत्र के हैं, जो मुख्याधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है, या फिर खेत मालिकों की ये कारगुजारी है। बात चाहे जो भी हो, अवैध पेड़ कटाई पर नकेल कसना और जुर्माना लगाना यह काम वन विभाग का है, तो फिर संबंधित मामले में वन विभाग द्वारा बरती जा रही संदेहास्पद सुस्ती हैरत में डालने वाली है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।